नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सुखपाल आप सभी का अपने चैनल जर्नी सर्विस में स्वागत करता हूँ। आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीएसटी रिफंड का पूरा प्रोसेस और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेल समरी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने एक सेल समरी बना दी है जिसमें मेरे एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी जैसे टाइप डॉक्यूमेंट्स, सीरियल नंबर, इनवॉइस नंबर, डॉक्यूमेंट्स डेट और इनवॉइस वैल्यू और टाइप्स ऑफ सर्विस क्या है, गुड्स है, सर्विस है, जो भी है। अगर गुड्स रहेगा तो मेरा शिपिंग नंबर, शिपिंग बिल डिटेल्स जा आ जाएंगे, जैसे कि शिपिंग पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर, उसके बाद शिपिंग बिल डेट। और ये होने के बाद ईजीएम डिटेल्स भी आपको यहाँ पर डालनी होगी। ईजीएम डिटेल्स में रेफरेंस नंबर और डेट। और ईजीएम डिटेल्स कैसे डालते हैं सर्च करेंगे आप, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको BRC और BFRC जो भी आपका रहेगा सर, जो एक्सपोर्ट आपने सर्विसेज की है उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स अपडेट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेट करने के बाद इसे स्कैन कर लेना है और सिग्नेचर करके ऑथराइज सिग्नेटर के सिग्नेचर यहाँ पर लेके इसे अपलोड करना है। उसी के साथ साथ परचेज की भी समरी बनानी है, जैसे यहाँ पर मैंने बना दीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या है, जो परचेज आपने किया है वो गुड्स है, सर्विस है या कैपिटल गुड्स है, वो यहाँ आपको आपको मेंशन करना है। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल ऐसी ही है। उसके अलावा आपको टू बी का भी डिटेल्स देनी होती है, तो यहाँ पर मैंने टू बी की भी डिटेल्स दे दी है। और उसके साथ साथ अभी हम लोग चलते हैं पोर्टल पे। तो पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे सर्विसेज में आ जाना है आपको, और रिफंड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जाना है रिफंड में, और एप्लीकेशन फॉर रिफंड करना है, और आपका ITC का आप रिफंड क्लेम करो कि आपने विदाउट टैक्स ऑफ विदाउट GST आपने एक्सपोर्ट किया है, तो आप जो भी ITC क्लेम किया उसे आपको रिफंड क्लेम करना है। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर रिफंड और फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी सारा फिलअप करके रखा है, तो मैं चला जाऊंगा सिर्फ ड्राफ्ट में, माई सेव एप्लीकेशन में चला जाऊंगा। यहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स भर दिए हैं, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर लूंगा मैं। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक डाउनलोड, ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर लेंगे, और वो यूटिलिटी जो है कुछ इस तरह से रहेगी। यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स भरना है। सारे डिटेल्स भरने के बाद क्लिक फाइल टू अपलोड करना है। जो भी एरर रहेगा यहाँ पे डिस्क्लोज हो जाएगा और जेसन फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट एरर। और जैसे वो जेसन फाइल कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको क्लिक टू अपलोड द डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करके वो जो है यहाँ पे अपलोड करने। तो मैं अभी आपको प्रोसेस बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड और इसे वैलिडेट कर देनी है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करके वैलिडेट स्टेटमेंट करना, फिर प्रोसीड कर देना। तो मेरा ऑलरेडी ये प्रोसेस हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जीरो रेटेड सर्विस, जो भी एक्सपोर्ट अमाउंट है वो पूरे साल का, जो भी पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो वो एक्सपोर्ट अमाउंट यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद टोटल टर्नओवर, जो भी आपका इंडियन सेल्स रहेगा या एक्सपोर्ट सेल्स रहेगा, दोनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी आपका नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो फिगर यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे कैलकुलेशन हो के रिफंड अमाउंट, यहाँ पे आपको मैक्सिमम रिफंड अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगी। और यहाँ पे आपका सिस्टम कैलकुलेटेड ITC का टोटल आ जाएगा, और उसमें से आप रिफंड कितना क्लेम कर रहे हैं वो फिगर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मैंने ऑलरेडी वर्किंग किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ड्रैग डाउन से आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी। और यहाँ पे आपको सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देना है देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 54 देना है, डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 16C देना है, सेल समरी देनी है, परचेज समरी देनी है, GSTR 2B की समरी देनी है, और आपकी BRC जो भी है वो यहाँ पे आपको देना है, FRC जो भी है वो आपको यहाँ पे अटैच करनी है। और उसके बाद ये अटैच करने के बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है, आपका LUT जो नंबर है उस फाइनेंशियल पीरियड का वो यहाँ पे आपको लिख लेना है, और उसके बाद इसे सेव करना है। अगर आपका पूरा कंफर्म हो गया है तो आप इसे सबमिट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। और मैंने सबमिट करने के बाद अगर एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर मांगता है तो वो आपके लिए डेफिशिएंसी मेमो रेज करेगा, उसको आपको रिप्लाई करना होगा। उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।